हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं LIS से संबंधित एक जॉब और आपको बताने वाला हूं, जो कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली से संबंधित है। और इस जॉब की आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर इस PDF को भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपको बता दूं कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 2 वैकेंसी निकली हैं और 2 वैकेंसी 2 पोस्ट हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की और इसकी एक ही पोस्ट है। और दूसरी जो वैकेंसी है वो है लाइब्रेरी क्लर्क की और इसकी भी एक ही पोस्ट है। और सैलरी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं और एज लिमिट भी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो कि है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन को देख कर ही आप कह सकते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। सबसे पहली वाली जो है लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, इसके लिए आपके पास BLIS की डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो सबसे पहली वाली को छोड़ देते हैं, यहाँ पर आते हैं, मेन फोकस रखते हैं दूसरी पर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप दूसरी पोस्ट लाइब्रेरी क्लर्क की अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए और आपके पास कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस से संबंधित। तो वो आपके पास अगर है या फिर आप केवल BLIS हैं तो भी लाइब्रेरी क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको बता दूं कि अप्लाई करने के लिए आपको एक स्पीड पोस्ट करना होगा या फिर आप नॉर्मल पोस्ट भी कर सकते हैं, जो कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के एड्रेस पर पहुंच जाए 6 दिसंबर 2018 से पहले पहले। अगर 6 दिसंबर 2018 के बाद में आपका पोस्ट पहुंचता है तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन होगी इसका चार्ज लगेगा, यानी कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। तो 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है और एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर किसके नाम से आपको बनवाना है। तो डिमांड ड्राफ्ट आपको 300 रुपये का बनाना पड़ेगा, यानी कि चार्ज लगेगा 300 रुपये। और एक दो चीज़ें और यहाँ पर लिखी हैं वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये आपको पोस्ट से भेजना है और ये पोस्ट 6 दिसंबर से पहले पहुँच जाए। और जब आप इसको फॉर्म को भरेंगे, फॉर्म एक बार दिखा दूँ, ये फॉर्म है जो कि आपको इसी PDF में मिलेगा और आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस फॉर्म के साथ अपने फ़ोटो लगाने के बाद और अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के बाद, या फिर कहें तो उसके साथ साथ, आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी लगाना होगा। इसका भी प्रिंटआउट आपको लगाना है और इस पे यहाँ पर आपके साइन, डेट, प्लेस वो सब होना चाहिए। और इस डिक्लेरेशन फॉर्म में भी यही सब लिखा हुआ है कि आपकी जानकारी सब कुछ सही है और आप पर कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है इस तरीके से। तो ये आप पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म को भी। चलिए एक दो बात आपको और बता दूं कि यहाँ पर जो सिलेक्शन आपका होगा वो सिलेक्शन जो है वो हायर क्वालिफ़िकेशन के बेस पर होगा, यानी कि ये जो सेलेक्ट करेंगे वो जो भी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन वाला इनके पास कैंडिडेट होगा ये उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको प्रेफर करेंगे। अच्छा, और यहाँ पर अगर आप इनका इंटरव्यू होता है या कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको कोई भी TA DA कुछ भी नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब है ना तो कोई रिफ्रेशमेंट मिलेगी और ना ही कोई पैसा मिलेगा। तो बाकी ज़्यादा जानकारी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, वही सेम है जो कि सब कुछ होता है। और एक बात और बता दूं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करें। थैंक यू।